असलम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सब की दुआओं से। मैं हूँ फ़ायज़ा बलोच और आज का व्लॉग जो है वो शाम से स्टार्ट है क्योंकि मैं दोपहर में खाना खाने के बाद सो गई थी। जब उठी तो असर की अजान हो रही थी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा क्यों ना अपने लिए जो है वो चाय बनाऊँ, तो चाय चढ़ा दी है, चाय की पत्ती डाल दी है, ये नमक रखा है, नमक भी मैंने रख दिया ऊपर। अब सोच रहे होंगे शायद ये नमक भी चाय में डालती है, नहीं चाय में नमक नहीं डालती। दोपहर के खाने का यहाँ रखा हुआ था तो जाके अभी रख रही हूँ ऊपर। अच्छा कप रखे मैं, इनको भी अच्छे से शैम्पू से धोना ताकि इसमें स्मेल ना रहे क्योंकि चाय का अक्सर जो है वो शीशों के कप में जो है ना वो स्मेल रह जाती है। और ये तो पानी पियो भी तो अच्छा नहीं लगता, अगर चाय पियो तब भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि इसको भी जो है वो अच्छे से शैम्पू से धो लूँ ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। तो बर्तन तो धोने हैं पर मैंने कहा सबसे पहले जो है वो चाय को दम पे रखूं। तो मैंने देखा कि अब बस इसको उबाल आना है। ये देखिए अब उबाल आ चुका है। अब इसमें डालने लगी हूँ दूध। जल्दी से इसका ढक्कन खोलूं, खुल गया ढक्कन। अब चलते हैं इसमें दूध को जो है वो चाय में डालते हैं, पूरा डाल दूँगी मैं। अच्छा ये दूध जो है ना वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है, ये तो उसकी पैकिंग चेंज हुई है, डब्बा चेंज हुआ है। अब इसमें बनी हुई है गाय, इतनी प्यारी लग रही है। यसना ने इसको देखा है ना, बहुत ज़्यादा खुश हुई है। अब मुझे नहीं पता कि अब इसका जायका कैसा है दूध का। अच्छा ये रखी हुई, अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसको रखूँगी दम पर। ये दम पर रख लिया। अब स्टार्ट करते हैं बर्तन धोना। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना सारा प्यार देते हैं। मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पर कुछ लोग जो है ना उन्होंने मुझे बहुत तंग किया कि वो इतने अजीब से कमेंट करते हैं कि आप बलोच हो, आप बलोची में क्यों ब्लॉगिंग नहीं करती हो, आपकी उर्दू क्यों साफ़ है। इतनी बार बता चुकी हूँ कि हम मुझे बलोची आती है पर कुछ अल्फाज की वजह से ना मैं रुक गई हूँ, बलोची में व्लॉगिंग नहीं करती। मैंने आती कि कोई ऐसा अल्फाज मेरे मुंह से निकले जिससे आपकी दिल आज़ारी हो या आपको अच्छा ना लगे। जो मुझे इजी लगता है मैं उसमें करूँगी ताकि सही से समझ में भी आए। अच्छा मेरी उर्दू क्यों साफ़ है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जहाँ रहती थी ना मेरा स्कूल फिर ट्यूशन होता था, फिर ये होता था कि फिर टीचिंग की थोड़ी सी, तो मेरा बाहर होता था। और जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ बलोच कोई नहीं था, हम लोग घर पे भी जो है वो जदगाली में बात करते थे। अब मेरे जहाँ ससुराल है वो भी हम जदगाली बात करते हैं। बलोची आती है पर कुछ अल्फाज जो है ना वो धकमगा जाती हूँ, जिस वजह से मैं रुकी हुई हूँ बलोची में क्या कहते हैं व्लॉगिंग नहीं करती। तो प्लीज़ समझा करें। और मैंने कोई ऐसे मेरे व्लॉग में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जो है बलोचों का नाम बदनाम कर रही हूँ या फिर कोई ऐसे अल्फाज भी ऐसे नहीं है। तो प्लीज़ मुझे आज के बाद ऐसा कोई मैसेज मत किया, मुझे ऐसा कोई कमेंट मत करें ताकि मेरा जो है वो दिल दुखे। अच्छा यहाँ जो है वो मैं बर्तन जो है मैंने सारे धो लिए हैं। अब मैंने कहा चलती हूँ ज़रा देखूँ चाय तैयार है। ये देखें कलर दम पे रखने के बाद ना कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये 2 कप मैंने डाल दिए हैं, एक मेरे मियाँ का। बच्चे मेरे सो रहे हैं, मैंने कहा हम दोनों पहले चाय पी लें। कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। तो 1 कप जो है मेरा। चलें अब गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं क्योंकि चाय रखते ही ना ऐसा नहीं होता कि रखो ठंडी हो, बस को सिप सिप करके पीना है। अच्छा मगरिब की अजान हो गई है तो जैसे ही अजान हो ना उसी टाइम नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती हूँ क्योंकि बाद में ये काम वो काम तो लेट हो जाती है, कज़ा हो जाती है। तो सबसे पहले जो है नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ ली है, तस्बीह पढ़ रही हूँ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। सो ये तस्बीह है और इसके अलावा जो है ना मगरिब की नमाज के बाद ना मैं एक और चीज़ करती हूँ, चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यह है मदनी पंसूरा, इसमें बहुत अच्छी बहुत प्यारी जो हैं वो सूरतें हैं। और मगरिब की नमाज़ के बाद जो मैं सूरत पढ़ती हूँ वो है सूरह वाक़िया। अगर बीवी चाहती है ना कि हमारे मेरे मियाँ के रोज़गार में बरकत हो और हमारे घर में रोज़ी की कमी ना हो, तो आप लोग डेली मगरिब की नमाज के बाद जो है वो सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ा करें। मैंने जब से सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे घर में रिस्क की कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अच्छा, सूरह वाक़िया के बाद जो है 4 कुल पढ़ती हूँ, जैसे कुल या अय्युहल काफ़िरून और ये कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। और ये जो है सूरह बकरा की आयत है, आखिरी आयत है। और उसके बाद जो है सूरह हशर की आखिरी आयत हैं। और उसके बाद जो है आयतुल कुर्सी। ये पढ़ने के बाद हमारे बहुत प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको इसारे सवाब करती हूँ जो बहुत लाजमी है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे प्यार जो इस दुनिया से जा चुके हैं ना, जो आधी रात को उठ कर जो है ना हमारी दुआ करते थे। जैसे हमें अगर तकलीफ़ होती थी ना तो वो पूरी रात नहीं सोते थे, तो कभी इनको मत भूलें। अब रात का टाइम है तो मेरे बच्चों ने जो है वो ज़िद की कि हम लोग को मैकरोनी बना के दें, तो मैंने मैकरोनी निकाली है, यहाँ मैंने रख दिया है पानी उबालने के लिए। जैसे ही पानी उबलेगा तो मैं ये इसमें डाल दूँगी। ये मैंने आग भी जला दी है और ये मैं लेके आई थी तो आज बच्चों ने देख लिए। ये मैंने बिल्कुल तैयार कर लिए, बिल्कुल सादे से हैं, कोई मिर्च मसाला नहीं, कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं। टमाटर जो है उसकी प्यूरी बनाइए मैंने, उसमें ही मैंने मैक्रोनी जो है उबाल के डाल ली है, ताकि बच्चे जो है वो शौक़ से खाते हैं। ज़्यादा चीज़ें डालने से भी बच्चे उलझ जाते हैं, वो नहीं खाते हैं। तो ये हम मैंने दम पे रख दिया है। और ये बर्तन ये अच्छा ये लेमन जूस है, वो भी एंड में मैं थोड़ा सा डाल दूँ, काली मिर्च थोड़ी सी डाल लेती हूँ ताकि जायका जो है वो मज़े का आए। और खिली खिली होती चिपकी हुई, जब आप लेमन जूस डालेंगे ना तो उसमें क्या कहते हैं चिपक नहीं जाएगी, खिली खिली सी रहेगी, यानी कि खुली खुली सी। और ये बर्तन है, मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कहा था कि रात के बर्तन जो है ना पूरी रात मत रखा करें, रात के बर्तन रात को धोया करें। तो बहुत शुक्रिया आपका जो इतना प्यार देते हैं, समझाते हैं, बहुत दिल से इज्जत करी हूँ आप लोगों की। तो ये दम पे रखने के बाद जो है ना दम लग गया है, ये देखिए आखिरी ये ला मैं बच्चों को निकालने देने लगी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं व्लॉगिंग जो है वो बहुत लंबी करूँ और आप बोर हो जाएं। तो यहाँ तक अल्लाह हाफ़िज़।